दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हो तो दोस्तों आपको अपने अकाउंट के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि जो आप इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ कर रहे हो वो आपका अकाउंट जो है वो किसी दूसरे ने जो है वो हैक तो नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट दूसरे ने हैक किया होगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपका सब कुछ ही देख रहा होगा कि आप किससे चैट कर रहे हो और आपने जो है वो किसको क्या भेजा। तो दोस्तों आपको अपने इंस्टाग्राम के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक है या नहीं है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम अपडेट होने के बाद में सारी की सारी सेटिंग जो है वो अपडेट होगी। अब आपको इंस्टाग्राम को जो है वो चेक करने के लिए कि आपका अकाउंट हैक है या नहीं है आपको जो है वो न्यू प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको जो है वो कहां पर क्लिक करना है जिससे आप जो है वो पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट हैक है या नहीं है। सबसे पहले आपने ऊपर की तरफ दिख रहे 3 डॉट पर करना है क्लिक, उसके बाद में आपने जो है वो सेटिंग पर कर देना है क्लिक। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा अकाउंट सेंटर का, तो आपने सिंपली से जो है वो अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, तो दोस्तों आपने सिंपली से जो है वो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा और तभी आप जो है वो अगर आपका अकाउंट हैक हुआ तभी आप जो है वो उसको जो है वो ठीक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। आपको यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ जो है वेयर यू आर लॉगिन इन, तो आपने यहाँ पर जो है वो वेयर यू आर लॉगिन इन वाले ऑप्शन पर जो है वो आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो आपकी आईडी का नाम बताया जाएगा और उसके नीचे ही लिखा होगा आपके मोबाइल का नाम। तो आपने करना क्या है, आपने जो है यहाँ पर आपको जैसे कि आपकी आईडी का नाम बताया गया है तो आपने यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको सारे ही मोबाइल का नाम जो है यहाँ पर बताया जाएगा जिस जिस मोबाइल में जो है वो आपका अकाउंट ओपन होगा। तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपके यहाँ पर जो है वो आपके ही मोबाइल का नाम है। अगर तो आपके ही मोबाइल का नाम है तब तो ठीक है, मान लो कि अगर आपको यहाँ पर जो है वो किसी और के मोबाइल का भी नाम शो हो रहा है, किसी और के मोबाइल का नाम शो हो रहा है, तो आपने करना क्या है, आपने जैसे कि ये जो है वो किसी और के मोबाइल का नाम है तो मैं यहाँ पर जो है वो इस पर करूँगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो पूरी की पूरी डिटेल बता दी जाएगी और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉग आउट का। मान लो कि अगर दूसरे के मोबाइल में आपका अकाउंट जो है वो ओपन है तो आपने जो है वो उस पर उसके मोबाइल के नाम पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपने लॉग आउट कर देने। जैसे ही दोस्तों आप लॉग आउट कर दोगे उसके बाद में होगा क्या कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो किसी ने दूसरे ने ओपन किया है तो उसके मोबाइल से जो है वो आपका अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। जैसे ही आप लॉग आउट कर दोगे उसके बाद में आपने करना क्या है दोस्तों, आपने जो है वो अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड जो है वो चेंज कर देना है। दोस्तों आपने इंस्टाग्राम में जाना है और अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर देना है। इससे दोस्तों आपके मोबाइल की सिक्योरिटी जो है वो बनी रहेगी, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अपने मोबाइल में जो है वो दोबारा से ओपन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट हैक है या नहीं है। अगर हैक है तो आप उसे जो है वो ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।